परीक्षाओं से संबंधित नए दिशा निर्देशों को रद्द करने की मांग में आज सिलीगुड़ी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक तृणमूल छात्र परिषद की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया। विद्यार्थियों का कहना है कि आधुनिक परीक्षा प्रणाली में तथ्य प्रौद्योगिकी की जटिलता के कारण उन्हें परीक्षा देते समय दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वे इस दिशा निर्देश को रद्द करने की मांग को लेकर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि नए दिशा निर्देश में ऑनलाइन कैमरे के सामने अन्य किसी एक डिवाइस से परीक्षा देने की बात कही गई है, लेकिन कोरोना काल में कई विद्यार्थियों के परिवार आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में इनके लिए दो मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर परीक्षा देना संभव नहीं। इतना ही नहीं, विभिन्न जगहों में नेटवर्क में समस्या के चलते विद्यार्थियों को काफी दिक्कत होती है। इस संबंध में अभद्रदीप मल्लाकार ने कहा कि इस नियम पर पूर्ण विचार कर इसे वापस लिया जाए, साथ ही परीक्षार्थी सही रूप से परीक्षा दे सके इसकी भी व्यवस्था की जाए। आज के सिलीगुड़ी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक तृणमूल छात्र परिषद पक्ष काउंसिल द्वारा जो हटकारी सिद्धांत परीक्षा संक्रांत जो एक नियम बेर करा हुए चे, से नियम तीव्र धिक्कार जानाच्छि। नियम करा हुए चे जे छात्र छात्रीरा परीक्षा चलाकालीन चार घंटा जावत अनलाइन थाकते हबे एबं वेबकैम अन करे राखते हबे तादेरके। এই সিদ্ধান্তকে আমরা সম্পূর্ণভাবে ধিক্কার জানাচ্ছি, আমরা এই সিদ্ধান্তের পক্ষপাতিত্ব করছি না। এই সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের আমাদের অসুবিধা হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীরা বেশিরভাগই গ্রামাঞ্চলে থাকে, গ্রামাঞ্চলে নেট কানেকশনের কানেক্টিভিটি একদমই নেই বললেই পারেন। সেই হিসাবে দেখতে গেলে আমাদের আগের যে পরীক্ষার পদ্ধতি ছিল সেই পরীক্ষার পদ্ধতি আমরা ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা কাউন্সিলকে আর্জি জানাচ্ছি।